नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 15 अगस्त 2020 को अचानक से इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर सभी को हैरान कर दिया। धोनी ने एक वीडियो जारी कर अपने संन्यास का ऐलान कर दिया। धोनी के संन्यास का आकलन 2019 के वर्ल्ड कप के बाद से ही लगाया जा रहा था, क्योंकि वो इंटरनेशनल क्रिकेट तो छोड़िए नेट में भी प्रैक्टिस करते नजर नहीं आ रहे थे। आखिरकार 15 अगस्त को शाम उन्होंने संन्यास का फैसला कर ही लिया। क्रिकेट के फैंस के लिए यह काफी हैरान कर देने वाला था। सभी को उम्मीद थी 2019 के वर्ल्ड कप के बाद एक बार धोनी को नीली जर्सी में खेलते जरूर देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धोनी के संन्यास के बाद उनके फैंस और कई पूर्व दिग्गजों ने भी धोनी के लिए विदाई मैच कराने की मांग की है। आपको बता दें, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी BCCI से धोनी के लिए फेयरवेल मैच कराने की मांग की थी। अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के एक अधिकारी ने धोनी के विदाई मैच के बारे में बयान दिया है। BCCI के अधिकारी ने बताया, इस वक्त तो कोई इंटरनेशनल सीरीज नहीं हो रही है, तो शायद IPL के बाद हम देखेंगे कि क्या किया जा सकता है, क्योंकि धोनी ने देश के लिए बहुत कुछ किया है और वो सभी सम्मान पाने का अधिकार रखते हैं। हम हमेशा से यही चाहते थे कि उनके लिए एक विदाई मैच हो, लेकिन धोनी एकदम से अलग खिलाड़ी हैं। उन्होंने अपने संन्यास की घोषणा कर दी जब कोई इसके बारे में सोच भी नहीं रहा था। क्या धोनी से इस बारे में कोई बात हुई है, इस बारे में अच्छी जाने पर उन्होंने कहा, नहीं, लेकिन हम IPL के दौरान उनसे पक्का बात करेंगे। सीरीज या मैच कराने के बारे में उनके विचार जानने के लिए वो बिल्कुल सही रहेगा। उनके लिए एक पूरा भव्य सम्मान समारोह आयोजित होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो राजी होते हैं या नहीं, उनका सम्मान करना हमारे लिए गर्व की बात होगी। धोनी भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल कप्तानों में से एक है। धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने ICC के तीनों मेजर ट्रॉफी जीती है। उनकी विकेट कीपिंग और मैच फिनिश करने की काबिलियत उन्हें सबसे अलग बनाती थी। अगर उन्हें फेयरवेल मैच मिलता है तो उनके फैंस के लिए ये वाकई एक बड़ी खबर होगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।